बेहद मशहूर हूँ डॉक्टर सादिया का और सुल्तान साहब का कि उन्होंने इसमें इस कार्य खैर में हिस्सा लिया। सर हमारा कर दो, बेवा हूँ, पहली दफा ही आई हूँ मैं। कुछ कहोगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। सर आप बहुत अच्छे, मैं आपको नमाज पढ़ के आपके लिए दुआ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। अच्छा, आज क्योंकि हमारा राशन का प्रोग्राम था, हफ्ते का दिन था, तो सुबह बारिश हो गई थी और कोशिश ये कर रहे थे कि हम आज का प्रोग्राम ना करें, लेकिन बहुत सारी खातून जो थी वो बहुत परेशान हाल थी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे बच्चे भूखे हैं और अगर आप प्रोग्राम नहीं करेंगे तो हम बारिश में भीग कर ही आ जाएंगे, हमें आप राशन का बंदोबस्त कर दें। तो ये राशन हमने मंगवा लिया है और थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। जो बेचारी मुस्तहक जिनके घर में बच्चे भूखे हैं, और पीछे आपको दिखाते हैं कि ये पूरा शेल्टर के अंदर हमने इनको रखा हुआ है। ऊपर से छत भी दिखा दो जहाँ से इनको बारिश से बचाने के लिए यहाँ लाइन लगवा दी है, ताकि आराम सकून से इनको हम वो दे दें। अच्छा, ये जो सामने बच्ची है, ये वाली, ये जो बच्ची, इधर आओ बेटा, इस बच्ची की, बेटा आप भी आ जाओ। ये बच्ची के घर में दो दिन से फाका चल रहा था, तो इसकी वालदा की तबीयत सही नहीं थी, तो हमारी वॉलंटियर गई। इसके अब्बू का इंतकाल हो गया और अम्मी की तबीयत सही नहीं थी, यतीम बच्ची है, इनके घर में फाका चल रहा था, तो यही वजह थी कि हमने बारिश की जो है वो परवाह किए बगैर हम यहाँ पर आए। और इसके वालिद साहब हैं, नहीं है इसके भी, मेरा ख्याल हैं वालिद साहब हैं इसके। तो अब मसला ये है कि इसकी भी वालदा की तबीयत सही नहीं है, तो इन दोनों बच्चियों को हमने बुला लिया था राशन देने के लिए। फिजा तैयारी मुकम्मल है। तो व्यूअर देखें, ये जो राशन का एहतमाम जो किया गया है, ये डॉक्टर सादिया और सुल्तान साहब की तरफ से किया गया है, और मैं बेहद मशहूर हूँ कि वो हर महीने और महीने में कभी दो दफ़ा ये अहतमाम करते हैं। उन्होंने दूध का भी कहा था, क्योंकि मौसम ऐसा हो गया, तो दूध का इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कर लेंगे आटे वाटे के साथ, क्योंकि राशन को कलेक्ट करना और ये सारा इंतज़ाम करना और बारिश भी होना, तो एक और इनकी मजबूरियों को मद्देनज़र रखना, ये एक मसला बन गया था। तो बहरहाल अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाता है, अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा की, और ये जो राशन का एहतमाम किया गया, फिर एक दफ़ा बता दूं, मैं बेहद मशहूर हूं डॉक्टर सादिया का और सुल्तान साहब का कि उन्होंने इसमें इस कार्य खैर में हिस्सा लिया। अल्लाह ताला उनको अजर अजीम अता फरमाए। कुछ चीज़ें और भी हम आपको दिखाना चाहते हैं और वो हम आपको बताते हैं। तो व्यूअर्स देखें, बारिश की वजह का थोड़ी परेशानी तो हमें हो रही है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से जो है हम ये अमल शुरू करते हैं। अच्छा फिजा, फटाफट जो है ना, आप इनको राशन दो ताकि अपने अपने घरों में पहुँचें, तेज़ बारिश आएगी तो फिर ये फंस जाएंगे, ठीक है ना? तो आते जाइए, आ जाइए बेटा, आप भी आ जाइए। ये बच्चे के साथ कोई बड़ा आया है?
सर हमारा कर दो, बेवा हूँ, पहली दफा ही आई हूँ मैं तो। अच्छा जी, अभी बार बात ये थी कि इनको हमने, क्या नाम है आपका? गुल खान। ये गुल खान बीबी को हमने ठेला लेके दिया था और माशाल्लाह चल रहा था सही जी। माशाल्लाह बिल्कुल सही चल रहा था और अच्छी खासी घर का खर्चा भी हमारा इसमें निकल रहा था। लेकिन सर कल हमारे साथ एक हादसा आया, दोपहर की नमाज़ के टाइम पे मैं नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई तो बेटे ने बोला अम्मी आप मुझे पैसे दे दो, बाइक वाले आएंगे, वो आते तो वहीं से हम लोगों ने पहले उन्हीं से हम सौदा वगैरह उठा लेते जो वहाँ सरजानी से लेते थे, तो वहीं से उन्हीं से। कल बेटे ने पैसे लिए, डिब्बे में रखे तो एक डकैत आया, गन निकाली मेरे बेटे से, 3,000 रुपये जो है उसने छीन लिए ज़ोर ज़बरदस्ती। मोहल्ले वाले ने भी देखा, बच्चों ने भी, सब ने देखा था। मैं जाने नमाज़ पर खड़ी थी कल, हम लोग ने, मेरे बच्चों ने सारा दिन रो रो के गुजारा कि सर ने हमारे साथ इतना अच्छा किया, सब कुछ दिलाया, ट्रेलर दिलाया, सौदा भी डलवाया, सब कुछ किया, अच्छा खासी सब कुछ चल रहा था। ये 3,000 रुपये मैंने इसी में जो आपने मुझे दिलाई थी चीज़ें, इसी चीज़ों में से निकाल निकाल के जमा किया, 10-10, 20-20 रुपये लेके। लेकिन वो बंदा लेके गया, अल्लाह ताला उसको गर्क करे, तबाह करे सर। अल्लाह ताला हिदायत दे। ये बहुत अफसोसनाक वाक़ है कि बेचारे जो गरीब लोग हैं जिनको हमने ठेला लेके दिया, और वो क्योंकि जो सेल्समैन आता है मोटरसाइकिलों में तो ये उसके इंतज़ार में था, ये नमाज़ पढ़ने चली गई और वो अमाउंट जो है बेटे को गली में दे दिया। तो कुछ लोग शर पसंद अनासर या जैसे कि यहाँ के हालात हैं, जाहिर सी बात है वो भी आ रहे हैं तो किस मजबूरी के तहत आ रहे हैं, या उनको शौक है, या वो क्रिमिनल लोग हैं जो इन लोगों से 3,000 रुपये डकैती डाल के ले गए, तो बहुत अफसोस की बात है। अब हम आयशा के लिए, एक साहब ने तालीम के लिए जो है कुछ अमाउंट भेजी थी, वो हम आयशा को देंगे। हाँ आयशा, ये लो, कुछ कहोगे? जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। सर आप बहुत अच्छे, मैं आपको नमाज पढ़ के आपके लिए दुआ करती हूँ, आपको अल्लाह आपके मकसद में कामयाब करे। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि सर ने पैसे दिए मुझे, मैं कल से स्कूल जाऊँगी, सर के लिए दुआ करूँगी। सर ने हमें ट्रेलर भी लेकर दिया था, हमें चीज़ भी लेके दिए, तो मैं सर को दुआ करूँगी, सर के साथ जो और सर हैं उनके लिए भी दुआ करूँगी, अल्लाह उन सबको अपने मकसद में कामयाब करे, अल्लाह सर को हमेशा खुश रखे, मैं दुआ भी करूँगी। आमीन आमीन। बेटा जो आपके लिए जो भेज रहे हैं ना स्कूल के लिए, और जितने भी लोग भी भेजते हैं ना राशन के लिए, और जितने भी लोग हैं देखने वाले, और जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, सबके लिए दुआ करोगे ना? जी, मैं सबके लिए दुआ करूँगी। जज़ाकअल्लाह बेटा, सबके लिए दुआ करना, ठीक है? आप मासूम हो और मासूमों की दुआ अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है। अच्छा तो वीवर ये था, अच्छा अब यहाँ पर हैं ये, आप कितनी दफ़ा आई हो यहाँ पर? सर हम तो पहली दफ़ा आए हैं। पहली दफ़ा आई हो ना? सुनो आप पहली दफ़ा आई हो ना, जो सुनना नहीं है, आप पहली दफ़ा आई हो ना, जो 10-20 दफ़ा आ रही हैं उनका हम घर विज़िट करते हैं, फिर देखते हैं, अगर अगर जो पहली दफ़ा आए हैं तो हम रोड पर खड़े होकर बांट दें। हमें क्या पता, देखो विज़िट करते हैं, विज़िट करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह करते हैं, ठीक है ना? तो आप बेफिक्र रहो, आपका नाम लिखेगी अभी फिजा, आप विज़िट हो जाएगा, ठीक है ना? जी भी हम आए थे मगर गाड़ी नहीं आई हुई थी, पिछले हफ्ते हमने काफ़ी वेट किया था, मगर मैं बाद में पता चला। देखो पिछले हफ्ते जो है ना हम ठेले का काम कर रहे थे, ठीक है ना, हम भी इंसान हैं, मुझे फ़ोन आ रहा था कि आप लोग यहाँ जमा हैं, ठीक है ना, ये बात थी ना, यहाँ पर बहुत क्राउड था, लेकिन हम ऐसा नहीं कि हम पीछे थे, उन लोगों को ठेला दिला रहे थे, दो खातून थी उनके अमाउंट में, ये उसी दिन हमने ठेला दिलवाना और उसी दिन राशन, दो काम इकट्ठे नहीं हो सकता। आज का मौसम कैसा है? मौसम तो अच्छा है, बारिश हो रही है। अच्छा, बारिश की परेशानी की वजह से हम आए बारिश में, बारिश हो रही है, देखे बात सुनो, एक बारिश हो रही है ना, तो मैं कहाँ पर खड़ा हूँ? आप लोगों के साथ खड़ा हूँ ना, मैं आप लोगों के दुख दर्द को महसूस करता हूँ तो खड़ा हूँ ना, तो आप कहने की बात ये, इंशाल्लाह इंशाल्लाह करेंगे, रुक जाओ, तो कहने की बात ये कि देखो जब बारिश हो रही है, कुछ भी हो रही है, हम आ तो रहे हैं, कोई आता ही नहीं है हमारा, तो अभी अभी हम करते हैं फिजा, देखो बात सुनो, इनका ये जो बच्चा लेकर आए ना इनका, और इनका भी कर लो, इनका नाम लिख लो, इनका नाम लिख लो, ठीक है? तो ये चलो यारूगोट 8 नंबर गली मुझे याद हो गया। तो व्यूअर्स देखें यहाँ, एक मिनट, ठीक है ना, इससे पहले कि बारिश हो जाए मैं थोड़ा सा प्रोग्राम ख़त्म कर लूँ, ठीक है ना? आप लोगों को मैं मना तो नहीं करता,
आप लोगों के घर जाता हूँ, ठीक है ना। इनमें से बहुत सारी खातून आपको भी देता रहा हूँ जी, मेरे को भी मिलता है, मेरे मियाँ का काम नहीं, आप ठीक है ना। अब काम नहीं है, देता तो रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं देता रहा हूँ। अब मसला ये है कि अब जो बेचारे नहीं ले रहे हैं उनको भी हम करते हैं ना, तो बच्चे को थोड़ा सा खामोश करा लो, ठीक है ना। तो व्यूअर देखें, इस किस्म के क्राइसिस चल रहे होते हैं यहाँ पर, और क्योंकि हम राशन बांट चुके हैं। अच्छा, आप क्या कह रही हैं? सर मैं भी दूसरी दफ़ा आई हूँ। अच्छा। मेरी भी मजबूरी है कि मेरे शौहर पैरालाइज हैं, बच्ची जवान है मेरी, तो वो थोड़ा सा ये है कि स्कूल जाती है, वहाँ से सिर्फ सैलरी 2500 मिलती है। फिजा पहले बल्कि आज बारिश हो रही है ना, अगर रुकती है तो आप इनका पहले फुर्सत में कर लो, ठीक है ना। अगर कोई इमरजेंसी केस होता है तो व्यूअर मैं जाहिर सी बात है पीछे नहीं हटता, इमरजेंसी केस को मैं निपटा देता हूँ, और ये मेरे वॉलंटियर को ही पता है कि इमरजेंसी केस में कर देता हूँ। फिर ये मैं इंतज़ार नहीं करता कि जनाब वो आएगा राशन, तो जब तक पैसे आएंगे तो क्या इनके बच्चे भूखे रहेंगे जी, जी। तो ऐसा नहीं होता। इमरजेंसी केस में देख लेना, अगर इनका मसला है तो आज इंशाल्लाह इनको निपटा देंगे। तो व्यूअर देखें, इस किस्म के मसले मसाइल हैं जो हम जिनको ठेला दिया था, तो अभी गुल बानो या कौन सी बानो है, गुल बानो ने कहा कि वो जो है उनके यहाँ डकैती पड़ गई। इस किस्म के जो है ना अफसोसनाक खबरें जब सुनने को मिलती हैं तो और थोड़ा सा अफसोस होता है। तो बहरहाल अल्लाह बरकत देने वाला रब्बुल आलमीन है, अल्लाह ताला उनको कहीं से पूरा कर देगा। तो कहने की बात ये है कि व्यूअर देखें, आपकी डोनेशन आती है, आपको दिखा दिया जाता है कि हम गरीब और मुस्तहकीन में तकसीम कर रहे हैं, ताकि आपको किसी किस्म का शक शुबा ना रहे। दूसरी बात ये कि ये एक अवेयरनेस का भी प्रोग्राम है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं जो कराची में या पाकिस्तान में किसी भी हिस्से में रहते हैं, अगर वो अपने हाथों से खड़े होकर अगर मुस्तहकीन को दें तो अगर उनके पास टाइम है तो ये एक अच्छा और नेक अमल होगा। और जो लोग बाहर रहते हैं, जो लोग नहीं कर सकते, जो पाकिस्तान में हैं कारोबारी लोग जिनको फुर्सत नहीं है, तो वो अपनी माँ बहनों के लिए डोनेशन यहाँ राशन की मद में ज़कात के पैसे जो भी हैं वो दे सकते हैं, ठीक है ना। उनकी अमानत इन तक पहुंच जाती है। तो व्यूअर देखें, इंशाल्लाह बारिश भी हो रही थी और तमाम तैयारी राशन वाले के पास और बड़े मसले मसाइल थे, तो इन तमाम भाग दौड़ में मैं वॉलंटियर को भी अप्रिशिएट करता हूं कि जो बेचारी कल मेरे साथ घरों को विज़िट कर रही थी। तो कल भी थोड़ा सा मौसम था लेकिन बारिश नहीं थी, आज सुबह से बारिश शुरू हो गई और अभी भी हल्की हल्की फुहार हो रही है। तो उम्मीद करते हैं व्यूअर कि आज का प्रोग्राम जो हम लोगों ने मेहनत से किया है, इसको आप अप्रिशिएट लाइक करके ज़रूर करेंगे। जब तक के लिए दें इजाज़त, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।